हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं मेरे बाइक में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ एक विंडशील्ड। तो मेरा बाइक में जो मॉडिफिकेशन मैं करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 इंच का राउंड हेडलाइट है, ये TVS फेरो का है, हीरो एचीवा या फिर एम्बिशन कुछ ऐसा नाम था एक बाइक का, तो उसका भी हेडलाइट आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली लुमैक्स का बना हुआ हेडलाइट है और 7 इंच इसका साइज़ है। तो इसका प्राइस लगभग 600 रुपीज़ है। इसका सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कैसे इसे इंस्टॉल करना है, कौन सा ब्रैकेट्स आपको लगाना चाहिए। तो अगर आपको उसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियो में मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ विंडशील्ड। तो यहाँ पर हीरो एक्सपल्स का विंडशील्ड मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो एक्सपल्स का क्यों, तो यहाँ पर राउंड हेडलाइट्स में जो सारे अभी मार्केट में जो विंडशील्ड आपको मिलेगा उसमें बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो आप यूज़ कर सकते हैं हिमालयन का विंडशील्ड, जो कि पहला तो बहुत ही कॉस्टली है और दूसरे वो जो है हर बाइक के साथ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो थोड़ा सा साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है। और ये जो हेडलाइट आप देख सकते हैं हिमालयन का, ये हेडलाइट काफ़ी ऊपर में है तो उसके साथ वो विंडशील्ड अच्छा लुक दे देता है। पर यहाँ पर हमारा बाइक्स जो है मेरा SZR, यहाँ पर बेसिकली इसका हाइट काफ़ी नीचे है, ठीक है। तो इसके साथ अगर मैं वो विंडशील्ड लगा था तो उतना अच्छा लगता नहीं, मैं फ़ोटोशॉप करके देखा ऑलरेडी। तो इसीलिए मैं ये ट्राई करने का सोचा, क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है, ये आपको 235 रुपीज़ में मिल जाएगा। और इसके साथ आपको ख़रीदना होगा 2 क्लैंप्स। तो इसके साथ आपको ख़रीदना है ये क्लैंप, इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो मज़े की बात है वो है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्लैंप में लिखा है राइट साइड क्लैंप, पर राइट साइड के पैकेट में ही लेफ्ट साइड का भी क्लैंप आता है। तो अगर आप हीरो में जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं दोनों सेपरेट नंबर, मतलब कि पार्ट नंबर देके लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट वाला कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि लेफ्ट वाला क्लैंप के लिए वो अलग पैकेजिंग बनाता ही नहीं। और उन लोग को खुद को भी पता नहीं कि राइट साइड वाला जो पैकेट है उसके अंदर ही एक में लेफ्ट साइड वाला क्लैंप वो लोग भेज देते हैं। तो ये था केस जिसके लिए मुझे 2-3 महीना वेट करना पड़ा, लेफ्ट साइड नहीं आया और मैं डिसाइड किया कि राइट साइड ही मैं ले लेता हूँ और उसके बाद वेल्डिंग करके क्लैंप बना लेंगे। तो इसके लिए मैं इसे लाया। तो ये पैकेट में जो क्लैंप आपको देखने को मिलेगा वो है बस ये छोटा सा क्लैंप, इसके साथ एक एक्सटेंशन होता था, उसे मैं कट करके आउट कर दिया क्योंकि वो मेरे लिए कोई काम का नहीं है। अब ये दोनों क्लैंप आपको लगाने के लिए कोई जगह ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बाइक के लिए ये दोनों पॉइंट्स हैं। यहाँ पर एक मैं बोल्ट लगा सकता हूँ और यहाँ पर एक बोल्ट लगा सकता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं एक लूप क्रिएट करता हूँ तो इसके ऊपर दोनों क्लैंप अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो इसके लिए ही मैंने ये वाला जो है क्लैंप डिज़ाइन किया और ये जाके सीधा ऐसे करके यहाँ पर बैठ जाएगा। तो ये अभी मैं मेरे बाइक के जो मीटर स्टे है उसके ऊपर फिट कर दिया हूँ। तो अब देख सकते हैं इसके अलाइनमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो पहले आपको ये दोनों क्लैंप्स जो है विंडशील्ड के ऊपर लगा लेना है और फिर इसको पोजीशन करना है। अभी ये जो प्रोसेस है, ये क्लैंप मेकिंग प्रोसेस, इसे लगाने का प्रोसेस, ये हर एक बाइक के लिए डिफरेंट होगा। तो आपको किसी हाउ डिज़ाइन करना होगा कोई कस्टम क्लैंप या फिर विंडशील्ड स्टे जिसके मदद से आप इसे आपके बाइक में माउंट कर सको। पर ये जो विंडशील्ड है ये अप टू 7 इंच कोई भी बाइक में अच्छा लगेगा। तो ये लगाने के बाद ऐसा लगेगा, तो अभी इसे लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। आपने देखा कि कैसे एक्सपल्स का विंडशील्ड आप किसी भी राउंड हेडलाइट वाला बाइक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके प्राइस जो है काफ़ी इकोनॉमिकल है, काफ़ी सस्ता है, पर इसका जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। ये कॉम्पैक्ट साइज़ का, अगर आपका बाइक छोटा साइज़ का है जैसे कि CT 100 हो गया और ऐसे ही कोई 100-125 cc का बाइक्स में आप राउंड हेडलाइट इंस्टॉल कर रहे हैं और आपको एक विंडशील्ड ऐड करना है एक मोटोक्रॉस लुक देने के लिए, तो आप ये विंडशील्ड यूज़ कर सकते हैं। हिमालयन विंडशील्ड जो है वो काफ़ी बड़ा है और आपका अगर बाइक का साइज़ बड़ा है तो आप हिमालयन विंडशील्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बाइक छोटा साइज़ का है तो हिमालयन का यूज़ करेंगे तो
मुझे नहीं लगता है कि अच्छा लुक्स देगा। अगर फिर भी आप में से किसी ने हिमालयन का ट्राई किया है तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है ये बाइक अभी, आप नीचे कमेंट करके बताइए। इसी इंस्टॉल करने का मेन जो वजह था मेरा वो है इसका जो एनालॉग मीटर है वो काफ़ी जायगेंटिक साइज़ का है, तो उसे समहाउ कवर अप करने के लिए मुझे ये इंस्टॉल करना था। विंडशील्ड का मेन जो वजह है कि विंड ब्लास्ट से आपको मुक्ति मिले, तो इससे आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें क्योंकि इसका जो साइज़ है ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है, विड्थ में भी ज़्यादा नहीं है, हाइट में भी ज़्यादा नहीं है, तो इससे आपको ज़्यादा विंड ब्लास्ट से हेल्प नहीं मिलने वाला है, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो आपको हेल्प हो ही जाएगा। ये था ये वीडियो, आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके पास दूसरे किसी बाइक है और ये विंडशील्ड आप इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं तो वो भी नीचे कमेंट करके मुझे बताना ताकि मुझे भी पता चले कि कौन से बाइक्स में ये फिट हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक टायर का रिव्यू लाने वाला हूँ, रेल्को का जो टायर सेट मैंने ख़रीदा था तो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में रिलीज़ करूँगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।